भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता कर इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि अभिषेक कुमार पर नाथनगर और सबौर थाना क्षेत्र में लूट और चोरी के कई मामले दर्ज थे। विधि व्यवस्था डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा मैदान में डीआईयू टीम के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की। सिटी एसपी ने बताया कि अभिषेक के खिलाफ लूट से जुड़े 4 और चोरी का 1 मामला दर्ज है। वहीं गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। दिनांक 22/11/24 को तिलकामांझी थाना क्षेत्र में हवाई अड्डा में एक 50,000 का इनाम अभियुक्त अभिषेक कुमार, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इनको विरुद्ध टोटल 5 कांड, 4 लूट कांड एवं 1 चोरी का कांड दर्ज किया गया सबौर थाना और नाथनगर थाना में। बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या इनको जो टीम में शामिल है जो इनको इनाम टीम को तकनीकी शाखा और स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को इस टीम पे गठन किया गया, उनको पुरस्कृत की जाएगी। इसमें सबौर थाना और नाथनगर थाना में लूट कांड और चोरी कांड दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त पूरा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम घोषित होते ही भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ता खलीफाबाग चौक पर जुटे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भागलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। वहीं कार्यकर्ताओं के जोश और उल्लास से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विजय उत्सव कार्यक्रम भामाशाह चौक पर मनाया जा रहा है। जो हमारे चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार वहां बन रही है। बिहार के 4 सीटों पर चुनाव हुए, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, चारों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई है। प्रचंड जीत पर आज एनडीए पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रहा है और महाराष्ट्र की जीत हमारी है और दिल्ली और बिहार की बारी है। यहाँ कार्यकर्ता इस उमंग उत्साह के साथ, तैयारियों के साथ भिड़ गए हैं कि जैसे विजय उत्सव मना रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली और बिहार के चुनाव का भी विजय उत्सव। भागलपुर के मनाली चौक और कचहरी चौक के बीच दरगाह के पास एक टोटो और मालवाहक टेम्पो की टक्कर में एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस ने घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी कचहरी चौक पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान को एक राहगीर ने दी, जिसके बाद जवान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टोटो चालक को रोका और घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं विभाग को सूचित करने के बाद अन्य ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल भेजा। घटना में शामिल टोटो और मालवाहक टेम्पो को जब्त कर ट्रैफिक थाना ले जाया गया है। वहीं घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता चला हम लोग के दुकान में मैनेजर है ये, अभी कुछ दिन पहले हम लोग को पता चला कि ऑटो वाला उनके शरीर पे गाड़ी चढ़ा दिया। अभी हम लोग आए तो देख रहे हैं पेशेंट का हालत थोड़ा सा खराब है और लेके गए अभी हॉस्पिटल। अब जब जा रहे कहाँ की है ये हम खंजरपुर की है। क्या नाम है पता है? कहाँ जा रही थी ये पता है? जा रही थी अभी काम पे, हम लोग वहाँ के मैनेजर हम लोग का दुकान है मोबाइल शॉप में, उसके मैनेजर। आप कहाँ पे शॉप है आपका? खलीफाबाग चौक।
भागलपुर नगर निगम एक बार फिर विवादों में है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम में हड़ताल कर दिया। उनका कहना है कि पिछले वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसमें काली पूजा के बाद बोनस देने और समय पर वेतन भुगतान की बात कही गई थी। सफाई कर्मियों ने शिकायत की कि नई कंपनी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवा रही है और 26 दिनों में वेतन देने का वादा करने के बावजूद 30 दिनों में वेतन दिया जा रहा है। हड़ताल के दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कर्मचारियों का समर्थन किया और उग्र बयान देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे नगर निगम में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी विकास हरी ने सफाई कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था बाधित होने की बात भी स्वीकारी है। इस हड़ताल से नगर निगम की व्यवस्था ठप हो गई और इलाके में सफाई कार्य प्रभावित हुआ है। मामला तो मीडिया कर्मी भाइयों को पहले से पता है कि 1 तारीख को 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया गया था। हड़ताल में नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर एवं जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, सभी ने कहा कि काली पूजा के समय में बोनस मिल जाएगा। बोनस मिलने की जब बात की गई थी तो बोनस के रूप में पहली जो कंपनी थी वो 2500 वो 7000 रुपया दी, लेकिन इस बार की कंपनी जो है वो दी है सिर्फ 2500 रुपया। नगर आयुक्त के द्वारा कहा गया कि 26 दिन से ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन ये लोगों से 30 दिन का काम कराया जाता है। काम का टाइम 8 घंटा है, 12-12 घंटा का काम कराया जाता है और पेमेंट के नाम पर अगर बात किया जाता है तो इन लोगों को सिर्फ जो है झुंझुना थमाया जाता है। अभी भी अगर ये हड़ताल करने आए हैं तो कुछ नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं कि हड़ताल तुम तोड़ो, तुमको 26 को 27 को पेमेंट देंगे। निगम द्वारा जो है कंपनी को पैसा दे दी गई है भुगतान, इन लोगों का 3 दिन का जो है बकाया भुगतान नहीं दिया है, इसलिए जो है गाड़ी अभी बंद कर दी गई है और समझाने पे भी जो है ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एकदम सही टाइम पे तनख्वाह वेतन सभी मिल रहा है, 3 दिन का जो है वो हड़ताल वाला पैसा था उनका, उनको भी दे दिया गया है कंपनी को, कंपनी अब इनको भुगतान करेगी। वो 26 तक बोले हैं कि हम आके कर। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के घंटाघर चौक के समीप हरिओम होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन बड़े समारोह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा और पूर्व सांसद शैलेश कुमार मंडल उपस्थित रहे। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर नीतीश दुबे ने मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस क्लिनिक में मरीजों को बहुत ही किफायती दरों पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर नीतीश दुबे ने लोगों से अपील की है कि वे एक बार हरिओम क्लिनिक में आकर इसका लाभ अवश्य उठाए। वहीं क्लिनिक के उद्घाटन के साथ ही इलाके में सस्ती और प्रभावी होम्योपैथी चिकित्सा की उम्मीद बढ़ गई है। हम आज यहाँ आए हैं हरिओम होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन करने और डॉक्टर नीतीश दुबे एक बहुत अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक है जिनका पटना, बेगूसराय, भागलपुर, दिल्ली, इंदौर कई जगह इनके क्लिनिक है और होम्योपैथी चिकित्सा में इन्होंने एक अपनी पहचान और प्रसिद्धि अर्जित की और मेरे हमसे इनका विशेष लगाव है। ये जब छात्र जीवन में थे तब से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे हर चुनाव में रहने वाले, हमारे मुंगेर कल्याणपुर के हैं, इसलिए इनका लगाव हमसे पहले से, शुरू से छात्र जीवन से जब ये होम्योपैथिक पढ़ रहे थे उस समय से हमसे लगाव, इसलिए भागलपुर में इन्होंने नया क्लिनिक बनवाया और नया क्लिनिक बनवाया तो हमसे इन्होंने आग्रह किया था। ये 6 महीना से हमसे आग्रह कर रहे थे, 6 महीना के बाद आज हमने को समय मिला तो हम यहाँ आए हैं इनके क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन।
भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग मोहन तांती ने इलाज के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना एक चारी थाना क्षेत्र की है, जहां मृतक सड़क पार कर रहे थे। उनकी पुत्री सुलेखा देवी ने बताया कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनके पिता को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों और बाइक सवार की मदद से उन्हें तुरंत भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहन ताती मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद एकचारी थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सामान कुछ लोने वास्ते दुकान जा रहा उन्नस मोटरसाइकिल ले एकरा ठोकी ले मोटरसाइकिल ले रोड पर। अच्छा, रोड पर गिले ब्रेन फाटी गेले, ब्रेन फाटले तो ओरा कोनो होसे न दोस रेस ने उठेल के ओकरा उठा। कहां ले गेले ओकरा? यही भागलपुर। भागलपुर प्राइवेट अस्पताल। हां प्राइवेट अस्पताल, वहां मैं ही नाम लख जो एक्सीडेंट करके नहीं अच्छा वहीं पहुंचल। मैं ही पहुंचल को आप भर्ती करी देल को आ बस भागी गेलम राज निगरिया बाबू के लेकर अंदर और वो भागी गेल। की नाम छके तोर बाबू के? मोहन ताती। मोहन ताती। उम्र कितना होते? उम्र पचास। हाँ, पचास बस। हमरो बाबू यार रोजी मजदूरी मजदूरी करे। बाल बच्चा? बाल बच्चा चार गो बेटी एगो दू गो बेटा।